चाहूंगी कि जो मेरे ऑडियंस बैठे हुए हैं वो कोई मुझे एक अच्छी सी बात बताएं, कोई भी अच्छी सी बात. फॉर एग्जांपल लाइक उनकी जिंदगी में कोई अच्छी बात हुई या किसी की जिंदगी में कोई अच्छी बात हुई, कोई भी अच्छी सी बात से आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहेंगे. और जो हर वक्त मैं शुरू करती हूँ प्रोग्राम वो मेरे बजाय, मैं चाहती हूँ आज मेरी ऑडियंस शुरू करे. आप देखते हैं कौन इतना इंटेलिजेंट है, कौन इतनी अच्छी सी बात कर सकता है. हाँ, जिस पे आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया हो ना कि लाइक आपकी ज़िंदगी में ये खुशहाली है. कोई अच्छी सी बात शेयर करना चाहेगा मुझसे? कोई भी? कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है जो सुबह सुबह शो शुरू कर सके. हाँ, बहुत सारी अच्छी सी बातें हो सकती हैं. किसी के मियाँ की तनख्वाह बड़ी हो सकती है, बड़ी होगी, या किसी ने खाना पकाया होगा उसकी बड़ी तारीफ हुई होगी. देखिए, अच्छी सी बात बहुत बड़ी बात नहीं होती, अच्छी सी बात छोटी छोटी बातें भी होती हैं. सास ने तारीफ कर दी होगी, बहू क्या खीर पकाई है. अम्मी तो तारीफें करती रहती हैं, अम्मी और बहनों की तारीफें जो हैं तो वो तो सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं. और अम्मी और बहनें जो हैं वो एक्चुअली आपकी सही क्रिटिक होती हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बुरी पकाई है या आपने बुरा कोई काम किया है तो फौरन बोलेंगी, या आप बुरी लग रही हैं तो साफ मुंह पे बोल दिया है, क्या कलर पहन लिया तुमने. कोई तो अच्छी सी बात होगी, सास ने कहा होगा, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि बड़ी सलीकाशार हो, बड़ी अक्लमंद हो, बच्चों को बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है ना, मेरी बहू बच्चों को बड़ा अच्छा पालती है, बच्चे बड़े उसने समझदार उठाए हैं, बच्चों की सेहत का, उनके पहनने ओढ़ने का बड़ा ख्याल रखती है. कोई तो बात हुई होगी. हाँ, कितना तुम लोगों से उगलवाना पड़ता है. ला अस्सलाम वालेकुम. हाँ, खुला है, खुला है. मैं ये खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ ना. अच्छा. तो मेरी मम्मा बहुत तारीफ करती है मेरे खाने की. तो मतलब मेरी खाला वगैरह है वो तो मुझे फरमाइश कर करके बुलाती है कि आओ हमारे घर तुम ये बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ. कुछ भी बनाती हूँ मैं तो मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है, खानदान में मशहूर हो. जी. खाना पका क्या सबसे अच्छा पकाती हो? सब कुछ बना लेती हूँ, कोफ्ते वगैरह, बिरयानी. अच्छी सी हो है और सब कुछ माशाल्लाह. शौक हो गया ना तुम्हें? शौक भी और छोटी सी उम्र से जिम्मेदारियाँ भी बहुत पड़ गई. जिम्मेदारियाँ क्यों पड़ गई? वजह? जिम्मेदारियाँ इसलिए पड़ी है क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ सबसे. अच्छा, तो पहली तो अम्मी की हेल्प करती होगी ना, है ना? अम्मी कहती होंगी बेटा किचन का काम तुम संभाल लो. नहीं, कहती नहीं है, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता अम्मी काम को हाथ लगाए. कितनी अच्छी बेटी है मेरी. बेटी तो उठ के अपना बैग भी नहीं उठाती. हाँ जी, तो ये तो हुई इसकी खुशी. सबकी जो खुशी का मायार होते हैं ना हर इंसान के, वो अलग अलग होते हैं. कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशियाँ मिलती है और कुछ लोगों को चाहे आप उनके लिए आसमान ज़मीन पे उतार के ले आएं लेकिन वो खुश नहीं होते, वो थैंकलेस होते हैं. और उनमें बहुत सारे लोगों में शुमार जो है वो हस्बैंड्स का भी होता है. आप उनके लिए मैट बन जाएंगे, आप उनके लिए कारपेट बन जाएंगे, बिक जाएंगे. तो ये वैरी करता है. तो जी, खुश 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 बाश लोग बताइए, आपकी जिंदगी में क्या खुशी आई? कोई और है बताने वाला? हाँ, ये छोटी सी बच्ची बताएगी मुझे क्या खुशी मिली आपको? टॉफी मिली? छोटी सी बच्ची यार, जो बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं. आपको देख के खुशी मिली. ये मेरे ऑडियंस में आज जो सबसे इंटेलिजेंट लड़की है वो ये छोटी. क्या नाम है तुम्हारा? जन्नत. जन्नत, तुम तो बड़ी चट्टो पट्टो हैं, पटाखों. कौन सी क्लास में हो? नर्सरी. हाँ, नर्सरी. नर्सरी में हो. और देखिए जरा, आज जब बलाद स्कूल जा रहे थे तो आए हमें खुदाफिस करने के लिए, तो मैंने भी प्यार किया, यासर ने भी प्यार किया. तो यासर ने कहा यार बलाद थोड़ा टाइम वाइम दे दिया करो, लिफ्ट ही नहीं कराते, अम्मा के पास ही घुसे रहते हो. कहता है यस आई एम बिजी, माई सैटरडे संडेज आर फ्री. साफ बोल दिया. उसने इतना अब्रप्टली बोला कि हमारा हंस हंस के बुरा हाल, कि वो सीरियसली बोल रहा है कि हाँ पूरे वीक मेरे पास टाइम नहीं होता, सैटरडे संडे मेरा फ्री है तो उस वक्त आपने मुझे हग करना है, प्यार करना है, जो भी है आई एम अवेलेबल. तो बच्चे जो हैं उनके मुंह से कभी कोई ऐसी लाइक आज मेरी ये खुशी है कि मैं सुबह सुबह हंसती भी आई हूँ क्योंकि बलाज ने एक ऐसी मासूमाना बात कह दी. ये मासूमाना बात, हाँ वसीम मदामी वाली बात कह दी जिसपे हम सब हंस पड़े. हाँ, तो
ऐसे ही कोई खुशी किसी को मिली यार, खुशी शेयर किया करें एक दूसरे से, मजा आता है, अच्छा लगता है। जिस दुख बांटते हैं, दुख बांटने से कम हो जाता है, उस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ये वाइस वर्सा है। कोई तो खुशी मिली होगी यार, सब दुखी लोग बैठे हैं मेरे पास, यार बड़े दुखी संसार में आ गई हूं मैं। हाँ चलो भाई, हिम्मत करो, कॉन्फिडेंस, ये बहुत मुश्किल काम है स्क्रीन के आगे बोलना, आप लोगों की हिम्मत है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची ने पहली दफा अभी 15 दिन पहले बिरयानी बनाई थी। हाँ उसको अच्छा। शौक बहुत है। हाँ मगर क्योंकि एक ही है तो मैं करने नहीं देती काम। अच्छा तो उसने बहुत, उसे जब मेरी दोस्त के यहाँ गई, जगह मैं आंटी मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी बनाऊंगी, आप मुझे बताएं कैसे बनाते हैं। हाँ। वहां से सीख कर आई, दूसरे दिन आके उसने कहा अम्मी मैं बिरयानी बनाऊंगी। अच्छा बना लो भाई। बहुत मजे की, बहुत टेस्टी, तो खुशी महसूस हुई। उसके साथ खीर भी बनाई थी जो मुझे नहीं बनानी आती। और आपको खुशी महसूस? मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। माशाल्लाह जबरदस्त। पता कि ये जो माँ बाप है ना, ये अपनी चीजों से ज्यादा आई गेस उनके बच्चे कोई चीज अकम्पलिश करते हैं, कोई किसी चीज में कामयाबी पाते हैं, तो वो अपने बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं और अपनी कामयाबियों से भी ज्यादा अपने बच्चों की कामयाबी पे खुश होते हैं। आई डोंट नो कैसा एक सुकून और प्यार और मोहब्बत मिलती है। मेरे बच्चों के तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, अभी जाहिर है पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए कोई ऐसा दिन होता है कि कोई ईद का सा समा होता है, हाय नंबर अच्छे, टेस्ट में भी नंबर अच्छे आ गए, तो इतना कोई प्राउड फीलिंग होती है, ये है माँ बाप के अंदर। हाँ भाई और है कि कोई किसी को खुशी कोई नहीं मिली, दुखी यार हो, कोई नंबर अच्छे आ गए यार टेस्ट में, नहीं भाई नहीं बोलने वाले, मियाँ ने तारीफ की बोलेगी। हाँ आहिस्ता आहिस्ता, पूरा तुम लोग मेरा इंट्रो का टाइम खा गए। हाँ मुझे ये कहना है कि मुझे 5 years before जो है ARY का प्लेटफॉर्म मिला था, तो मैंने यहाँ से विन किया था। हाँ तुमने कुकिंग की थी? नहीं तो? कुकिंग ब्यूटिशियन में मैंने मेकअप का विन किया था, बिनिश मोहसिन। अच्छा तो आपकी वजह से मैं काफी ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। या हमारे शो से विन किया 5 साल पहले? हम भी भूल गए, हमने किसी की हेल्प की, हम भी भूल गए।